नमस्ते दोस्तों, मोटोबीम हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं बैठा हूँ 2021 MG Hector फेसलिफ्ट में। अब ये गाड़ी में MG मोटर ने थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, इंटीरियर में थोड़े चेंजेस किए हैं और इसमें थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स भी आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। MG Hector फेसलिफ्ट में आपको एक ऑटो डिमिंग इनसाइड रिव्यू मिरर मिल जाता है, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिलता है और इसमें आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती है। साथ ही साथ MG मोटर ने ये गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में इंग्लिश वॉइस कमांड्स भी इनेबल किए हैं, तो उनको हम ट्राई करेंगे। हेलो MG। हाय, हाउ कैन आई हेल्प? FM चला दो। ट्यूनिंग टू FM। हेलो MG। आई एम हियर। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो। हेलो MG। आई एम लिसनिंग। वॉल्यूम कम कर दो। ठीक है, तो ये थी इंग्लिश वॉइस कमांड्स। इसमें अभी आपको बहुत सारी कमांड्स मिलती है, तो मैं वीडियो में यहाँ पे पूरी लिस्ट इंसर्ट कर देता हूँ। साथ ही साथ MG मोटर ने ये गाड़ी के इंटीरियर के कलर थीम को भी चेंज किया है। अब जो प्री फेसलिफ्ट हेक्टर आती थी उसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर कलर थीम मिल जाती थी, ये वाली गाड़ी में आपको एक ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है जो ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा अपीलिंग लगती है। ये गाड़ी के अपोस्ट्री में और डैशबोर्ड के जो लोअर पार्ट है उसमें डोर पैड्स पे भी आपको ऑफ वाइट कलर मिल जाता है और जो टॉप पार्ट है उसमें आपको सेम ब्लैक कलर का फिनिश मिल जाता है। ये सब चीज़ों के अलावा MG Hector फेसलिफ्ट में इतने ज़्यादा चेंजेस तो किए गए हैं नहीं, इसमें आपको जो पहले फीचर्स आते थे वो सभी अवेलेबल है। पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है और एक स्पेशियस इंटीरियर मिल जाता है जिसमें आपको बहुत सारी स्पेस मिल जाती है। अब जहाँ तक मैकेनिकल्स की बात होती है तो MG मोटर ने Hector फेसलिफ्ट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ये गाड़ी में आपको सेम इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं पहले की तरह। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो वो है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज यूनिट जो अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड DCT के साथ। मैनुअल वेरियंट के साथ आपको हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिल जाता है और ये इंजन प्रोड्यूस करता है 140 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो वो है 2 लीटर 4 सिलेंडर यूनिट, सेम इंजन टाटा हैरियर और जीप कंपस में भी अवेलेबल है। ये प्रोड्यूस करता है 170 PS की पावर और 350 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। डीजल इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल ही मिलता है। डीजल ऑटोमेटिक ऑप्शन अभी तक Hector में अवेलेबल नहीं है और मुझे लगता है कि अगर वो वेरिएंट इसमें अवेलेबल हो जाता तो कस्टमर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता। अब जहाँ तक स्टाइलिंग की बात होती है तो Hector फेसलिफ्ट मोर और लेस पुरानी Hector से सिमिलर लगती है, लेकिन इसमें आगे आपको नई ग्रिल मिल जाती है जो ज़्यादा अच्छी लगती है पुरानी Hector की ग्रिल के कंपैरिजन में। उसके अलावा आपको फेस पे कोई भी चेंजेस नहीं मिलते, बम्पर की डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम है, हेडलैम्प्स और DRLs की डिज़ाइन भी एग्जैक्टली सेम है। अगर आप नई वाली Hector को साइड से देखें तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे इसके नए 18 इंच के टायर्स। अब पुरानी Hector में आपको 17 इंच के व्हील्स मिल जाते थे और वो ये बड़ी गाड़ी पे थोड़े छोटे लगते थे, लेकिन ये वाले ज़्यादा वेल साइज्ड लगते हैं। साथ ही साथ MG Hector फेसलिफ्ट में आपको एक ड्यूअल टोन कलर थीम भी मिल जाती है। MG Hector फेसलिफ्ट के पिछले हिस्से में इतने ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं नहीं, यहाँ पे आपको एक ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप मिल जाती है जिसमें क्रोम इंसर्ट है। अगर हम पुरानी Hector की बात करें तो उसमें आपको यहाँ पे ग्रेट स्ट्रिप मिल जाती थी और पर्सनली मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। लुक्स के मामले में इतने ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं, लेकिन नए फीचर्स के साथ और ये जो माइनर कॉस्मेटिक ट्वीक्स है उनके साथ ये गाड़ी की अपील थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि डीजल ऑटोमेटिक का ऑप्शन MG मोटर ने ऑफर करना चाहिए था। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको MG Hector फेसलिफ्ट कैसी लगी।